दोस्तों आज हम चल रहे हैं आपको होटल जिंजर में, फ्यूजी फिल्म की एक पार्टी हो रही है, फ्यूजी फिल्म जो कैमरा बनाती है। चलिए हम आपको वहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफर भी मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे कैमरे मिलेंगे, तो आपको दिखाएंगे कौन कौन सा कैमरा है वहाँ पे। ए डे विथ एक्स सीरीज इस का नाम है, ए डे विथ एक्स सीरीज। होटल ससांग के बगल है होटल जिंजर, ये है होटल जिंजर। और आइए चलते हैं आप इस होटल में, हमारे गांव के सिक्योरिटी गार्ड भी हैं। तो होटल के फर्स्ट फ्लोर पे चल रहा है ये, हम लोग चलते हैं होटल के फर्स्ट फ्लोर पे। फोटो वाला फिल्म का हो रहा है क्या? ये नहीं, पॉलिसी का है, यहाँ पर पॉलिसी का है, फर्स्ट फ्लोर पे हो रहा है। हेलो, फोटो वाला कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? कैमरे का कार्यक्रम यहाँ पर। दोस्तों इतना घूमने के बाद जब हमको पता चला कि यहाँ पर कोई मीटिंग नहीं हो रही है, तो हमने फ्यूजी फिल्म के अधिकारियों से कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि यह मीटिंग जो है होटल जिंजर के सामने पिज्जेरिया है वहाँ पर हो रही है, जहाँ पर पिज्ज़ा मिलता है। लेकिन उन्होंने मुझे कॉल करके होटल जिंजर ही बताया था, इसलिए मैं पूरा होटल जिंजर छान मारा, लेकिन वहाँ पर केवल LIC की मीटिंग हो रही थी, यूजी फिल्म की कोई मीटिंग नहीं हो रही थी। तो अंततः मुझे उनसे कॉल करके बात करना पड़ा, उसके बाद मुझे पता चला कि यह मीटिंग होटल जिंजर के बाहर पिज्जेरिया में हो रही है। यूजी फिल्म का हो रहा है, और ये देखिए आते ही यहाँ पर पिज्जे से स्वागत हुआ है। तो हमारे पास 63,000 से स्टार्टिंग है, एसी 200, उसमें 425 ऑक्टोपस पॉइंट है, ठीक है, वो किसी ब्रांड में नहीं है। 63,000 वाले में फोटो वीडियो दोनों हो जाएगा। अब वीडियो की बात करें तो 30p मतलब विदाउट क्रॉप, 4K जब बनाते हैं तो क्रॉप हो जाता है, ठीक है। हमारा 63,000 वाला कैमरा क्रॉप नहीं करेगा। हमारे 63,000 वाले कैमरे में आपके पास कोई भी अगर स्टैंडर्ड फ्लैश है, टाइप हाई की, डिजिटेक की, सिंपेक्स की या अदर कोई ब्रांड की, आप हमारे 63,000 वाले कैमरे में उसको ऊपर से लगा दीजिए और उसको एज ए DSLR बना के आप यूज़ कर सकते हैं। मात्र जो सबसे सस्ता कैमरा उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें आप 4K मूवी जो आपने बोला वो भी बना सकते हैं। आप उसमें एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं, इस उसमें भी आपके जो फिल्म सिमुलेशन है, वेल्विया वेल्विया सारे मिलेंगे। ये वाला स्टैंड है सर, 63 का नहीं है, आपके कैटलॉग में पीछे बनाओ। जब हम वीडियो पे जाते थे तो फोटो की सेटिंग चेंज हो जाती थी, फिर हम फोटो की सेटिंग करते थे तो वीडियो की चेंज हो जाती थी। अभी क्या है, एक ही कैमरा सेटिंग दोनों की अलग अलग, मतलब हमें जो जैसा चाहिए हम एक कैमरे से। जैसे क्वेश्चन आया था क्या एक कैमरे से दो काम हो जाएंगे? सर होंगे, बिल्कुल होंगे भाई। आप हमसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं भैया कि शटर यहाँ से आप चेंज करो, ISO यहाँ चेंज करो, अपर्चर लेंस से चेंज करो, तो यहाँ पे दो दो जगह ये डायल क्यों दिया गया है? मालिए दो जगह यहाँ पे मिल रहा है ना, आप शटर यहाँ से भी बदल सकते हो, ISO यहाँ से बदल सकते हो, बिल्कुल दो जगह ऑप्शन दिया गया, एक तो आप यहाँ से कर लो यहाँ से, ये किस लिए दिया गया? जाहिर सी बात है जब आप गिम्बल पे कैमरा चलाएंगे, गिम्बल पे लगाएंगे तो यहाँ से करने पे आपका गिम्बल बैलेंस खराब हो जाएगा, बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। आपने सिंपल ये लॉक हटाया, यहीं से आपने ISO चेंज कर दिया, उसके बाद में आपने शटर चेंज करना है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपने शटर भी यहाँ से आसानी चेंज कर दिया, एकदम स्मूथ ये बटन होता है डायल, आसानी से आपका घूम जाएगा। दूसरा हमें ISO मतलब अपर्चर चेंज करना है तो अपर्चर आपका लेंस पे ही है, तो आपका यहाँ पे दो दो जगह कमांड मिलता है, आप शटर यहाँ से भी चेंज कर सकते हो
अगर आपने इसको टी पे लगा देंगे तो आप यहाँ से शटर चेंज कर रहे हो, ISO ए पे या सी पे लगा देंगे तो ISO आगे से चेंज हो जाता है, अपर्चर आपका यहाँ पे हो जाता है। दूसरा, इसको इसलिए लोग इस्तेमाल करते हैं जो वाइल्ड लाइफ ज़्यादा काम करते हैं कि तुरंत पे तुरंत उसको चेंज करना होता है सेटिंग, तुरंत ही पता चल रहा है कि अभी वो शॉर्ट शटर इस्तेमाल कर रहे हैं 8000 तुरंत चाहिए, तो तुरंत ही उन्होंने लगा दिया 8000 पे। तो यहाँ पे क्या है ना कि तुरंत या तुरंत आप इजी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो ला करके छोड़ देते हैं, क्या करना है, मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैं फोटो खींच रहा हूँ, मेरे हाथ में यहाँ से शटर है, यहाँ से ISO अपर्चर है, मैं आराम से फोटो खींच लूँगा, मुझे कैमरे में देखना ही नहीं है कि मुझे कुछ चेंज करना है कि मैं ISO पे दबाना तो ये बटन दबा के फिर ISO घुमाएं, तो ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। क्या है कि हमने आसानी से सारा काम कर लिया। लाइव स्ट्रीमिंग करना होता है, लाइव स्ट्रीमिंग का काम आता है मेरे पास YouTube पे लाइव स्ट्रीमिंग। तो जैसे हम इस कैमरे से भी कर सकते हैं, वहाँ पर कैप्चर कार्ड लगाना होता है, अगर डायरेक्टली लाइव स्ट्रीमिंग की बात किया जाए तो X3 है तो ये लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है, S10 लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है, X4 कर सकता है। अगर सबसे बेस्ट इसमें लाइव स्ट्रीमिंग के लिए X3 है, तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आपने ये कैमरा लगा दिया, माउंट कर दिया, एक आपने DC कपलर लगा दिया एक्स्ट्रा पावर के लिए, और आपने Type-C से लैपटॉप पे कनेक्ट किया, लाइव स्ट्रीमिंग कर दिया कैमरा, इसमें ना कोई एसेसरीज लगानी पड़ी ना कुछ, और आपका कैमरा लाइव स्ट्रीमिंग हो गया, वो भी फुल HD। लेकिन ये इतना एडवांस कैमरा है, X3 और X4 की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों में आप 1 TB के कार्ड डाल सकते हैं, कितना बड़ा आप कार्ड डाल सकते हैं। दूसरा, ये इसमें निकल जाता है। अब इसमें निकलने का फ़ायदा क्या होता है, क्यों निकल जाता है, इसमें एक तो माइक लगा लोगे आप, हेडफोन लगा लोगे, क्या रिकॉर्ड हो रहा है मेरे को सुनना है उसी टाइम पे, तो हेडफोन भी लग जाएगा। Type-C लगता है चार्जिंग के लिए, डाटा ट्रांसफरिंग के लिए काम होता है, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए 3 काम इससे होता है। चौथा, मतलब ये थोड़ा सा एडवांस लोग काम करते हैं, जो HDMI पे रिकॉर्डिंग करते हैं, या आपको TV पे चलाना है, ठीक है, दो काम हो सकता है, या तो TV पे चलाना है या लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। हमारे लिए आप कैप्चर कार्ड से लाइव स्ट्रीमिंग करना चाह रहे हैं, तब यहाँ पे आप Type-C से चार्जिंग दे सकते हैं। अगर आपका DC कपलर नहीं है तो Type-C से आपने किया, 700 रुपये का वो आता है कैप्चर कार्ड, 700-800 रुपये का, आपने कैप्चर कार्ड के थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग इसको कर दिया, जैसे कोचिंग क्लासेस वगैरह वगैरह, या फिर हम बाबू वगैरह शूट कर रहे हैं उसके लिए, तो यहाँ पे हमारा दोनों काम हो गया। अब इन दोनों से एक काम और हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, एक तो लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रहा है और दूसरा एक रिकॉर्डिंग के साथ में करना है। मान लीजिए मैंने कार्ड में रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा और HDMI में मैंने लाइव स्ट्रीमिंग कर दिया, मेरे पास दो काम है, तो यहाँ पे एक तो या तो मैं दो कैमरा लगाऊँ या एक कैमरे से मैं काम करूँ। तो HDMI से आपने क्या कर दिया, लाइव स्ट्रीमिंग, और दूसरा क्या कर दिया, कार्ड में क्या जा रहा है, सेव हो रहा है डाटा, ये चीज़ें होती है। और क्या होगा, जब HDMI से जो लाइव स्ट्रीमिंग हो वो तो मतलब वो इंटरप्ट नहीं होगा बीच में, बस यहाँ पे आपका 30-30 मिनट की क्लिपिंग होनी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ X3 इसमें काफ़ी बढ़िया सा है। तो कहा जाए फोटो वीडियो के लिए एक ही कैमरे से काम हो सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने इसको गिम्बल पे कहीं लगा दिया है, ट्राइपॉड पे लगा दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, मैं यहीं से रिकॉर्डिंग ऑन किया, रिकॉर्डिंग ऑन, अच्छा मोबाइल से, आपका ये तुरंत यहाँ पे काम करेगा, सही बात। इधर कैमरे चल रहे मतलब कहने का है कि एप्लीकेशन के थ्रू भी आप काम कर सकते हो, बढ़िया इसी से अपडेट्स मिल जाएगा हमारे कैमरे से, कितना इजी काम हो जाएगा आपका, बड़ा इजी काम हो जाएगा हमारे कैमरे। मतलब मार्केट में ऐसा कोई कैमरा नहीं है कि इस प्राइस में, ये इसकी कीमत इस समय 1,15,000 रुपये आपको डीलर पॉइंट में मिल जाएगा, जिसमें आपको इतनी आसानी से वीडियो शूट करें, इतना स्टेबल वीडियो शूट कर सकते हैं, और ये -7 EV लो लाइट है। मतलब आप अगर यहाँ पे एक मोमबत्ती भी चल रही होगी, आधी मोमबत्ती के हिसाब से लाइट होगी, तब भी वहाँ पे फोकस कर लेगा, इसका फोकस सिस्टम बहुत ही शानदार है। SD कार्ड UHS-1 UHS-2 दोनों लगा सकते हैं, UHS-2 को V90 कार्ड भी बोला जाता है, तो आप ये वाले कार्ड ही लगाइए हमें, ये इसमें लगता है, इसमें कितना GB तक सपोर्ट करेगा, 1 TB, 1 TB, बहुत ही बेहतरीन कैमरा है ये। कौन सा मॉडल है, 7700 क्योंकि हम ज़्यादातर किराए पे देते हैं, जो कि आप यूट्यूब लाइव के लिए भी यूज कर सकते हो, प्रोफेशनल कोई भी यूट्यूबर हो चाहे प्रोफेशनल, अगर आप कैमरा खरीदना चाहते हैं स्टेबल भाई, पानी मिले क्या, हाँ पानी है, पानी आप उसको चलते हुए भी रिकॉर्ड करके ट्राई कर सकते हैं, वही 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 अपने बात दिखा दीजिए चलते हुए, देखिए आप खुद चलाते हैं, आप खुद से ट्राई आप ही हिल रहे हैं उसके साथ में, एकदम क्योंकि जिस हिसाब से हम चल रहे हैं उस हिसाब से अभी आप इसको दूसरा मॉडल का दे रहे हो, नहीं तो हम लोग हिलाएंगे तो हिलेगा, समझ रहे हैं इन बॉडी में, ये अभी यही चीज़ मैं आपको इसमें दे रहा हूँ, आप कैमरे को हिलाएंगे तो हिलेगा।